कॉल टर्मिनेटेड ड्यू टू ए प्रॉब्लम विथ द नेटवर्क। तो गैस मैं फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन लगाने पर मेरा कॉल कट जा रहा था, फ़ोन कट जा रहा था और बार बार मुझको यही प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी बार कोशिश किया फ़ोन लगाने के लिए, फ़्लाइट मोड करने के बाद भी जब मैं कॉल कर रहा था तो यही प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रहा था, कॉल टर्मिनेटेड ड्यू टू ए प्रॉब्लम विथ द नेटवर्क। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप भी कॉल कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन यही दिक्कत आ रही है, तो कैसे आपको सही करना है, आपको प्रॉपर वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सेटिंग करने से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे ताकि आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आ रहा है कॉल लगाते वक्त, इसको 100% आप फिक्स कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चलना अपने मोबाइल की सेटिंग में। आपका कोई भी मोबाइल हो, आपका कोई भी सिम हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, कुछ भी आपका सिम हो, आपको बस यही सेटिंग करने है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चलना, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल नेटवर्क, आपको मिलेगा डाटा नेटवर्क, आपका जैसे सेटिंग होगा आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कॉल सेटिंग, तो आपको कॉल सेटिंग में जाना है। कॉल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आपको बैक होकर दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग में नहीं जाना है। यहाँ पर मैं आपको बैक होकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है नीचे सिम इन्फो का, फिर से मैं आपको कॉल सेटिंग में जाना है। आप जैसे कॉल सेटिंग में जाएंगे उसके बाद आपको मिलेगा सिम इन्फो सेटिंग, तो आपको सिम इन्फो सेटिंग पे जाना है। उसके बाद सबसे ऊपर तरफ आपको मिल जाएगा सिम वन, अगर आपको सिम वन से प्रॉब्लम है सिम वन, वरना सिम टू पर आपको क्लिक करना है। ऊपर तरफ आपको मिलेगा इनेबल, आपको तुरंत उसको बंद कर देना है। उसको बंद करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसेबल ये हो चुका है। अब आपको कम से कम 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट वेट करने के बाद तुरंत आपको फिर से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपका जो नेटवर्क होता है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश कर लेता है और आपके कॉल में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना सेटिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।